शिकारी पक्षी जैसे कि बाज अपनी असाधारण शिकार क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या आपने शिकार के दौरान लाल पूंछ वाले बाज की शालीनता या पेरेग्रीन बाज की गति देखी है? पक्षी शिकारियों के शौकीनों के लिए इन शानदार जीवों को कार्यवाही में देखना जरूरी है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम लाल पूंछ वाले बाज और अन्य शानदार शिकारी पक्षियों की उल्लेखनीय शक्ति के विशेषता वाले कुछ सबसे रोमांचक शिकार के क्षणों को दिखाते हैं। अपने शिकार की खोज में आसमान में उड़ान भरते समय उनके कौशल, सटीकता और विशुद्ध शक्ति से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार रहें। नंबर 5, लाल पूंछ वाला बाज वर्सेज कौवे। इस क्लिप में दृश्य में लाल पूंछ वाला बाज कौवे पर नजर गड़ाता है, जिससे तनावपूर्ण टकराव शुरू हो जाता है। अपने साथी पक्षी विरोधियों की अराजकता के बीच कौवे को पकड़ना बाज के लिए एक कठिन काम साबित होता है। हालांकि उल्लेखनीय संयम दिखाते हुए बाज अपनी पकड़ बनाए रखता है और अपनी योजना को सटीकता के साथ अंजाम देता है। इस क्लिप में शिकारी शिकार की गतिशीलता के जटिल जाल में बाज और उल्लू कौवे और कौवों के स्वाभाविक दुश्मन बन जाते हैं और उन पर घातक दक्षता से शिकार करते हैं। इसके विपरीत कौवे बाज को सीधे तौर पर नहीं खाते हैं, लेकिन उन्हें परेशान करने और उन पर लगातार हमला करने के लिए जाने जाते हैं, जो एक परेशान करने वाले उपद्रव की तरह है। जैसे जैसे झड़प तेज होती जाती है, युवा कौवे की मौत से और भी बढ़ जाती है। कौवों का एक दल बाज से बदला लेने के लिए इकट्ठा होता है। हवाई टकराव के लिए मंच तैयार होते ही हवा में तनाव की लहर दौड़ जाती है। फिर भी आसन खतरे के बावजूद बाज अविचलित रहता है और आसन टकराव के लिए तैयार रहता है। इस क्लिप में हवाई कलाबाजियों के एक नाटकीय प्रदर्शन में बाज और कौवे एक उच्च दाब द्वंद्व युद्ध में शामिल होते हैं, जो पक्षियों के युद्ध के मैदान के दृश्य की याद दिलाता है। प्रत्येक पक्ष कौशल और चपलता के लुभावने प्रदर्शन में टकराव से बचते हुए गणना की गई सटीकता के साथ युद्धाभास करता है। अंततः बढ़ते खतरे को पहचानते हुए बाज रणनीतिक रूप से पीछे हट जाता है और कौवे उसकी पूंछ पर सवार हो जाते हैं। हालांकि ऐतिहासिक हवाई युद्धों की याद दिलाता है, यह संघर्ष शारीरिक संपर्क के बिना समाप्त होता है, जो प्राकृतिक दुनिया में शक्ति के नाजुक संतुलन को उजागर करता है। नंबर 4, लाल पूंछ वाला बाज हंटिंग ग्राउंड हॉग। इस क्लिप में बाज ग्राउंड हॉग पर ध्यान केंद्रित करता है। उसके शिकारी निगाहें अपने शिकार पर टिकी होती हैं। जैसे जैसे पल बीतते हैं, उनके बीच एक खामोश समझ बनती है। शिकारी और शिकार की ग्राउंड हॉग शायद आसन खतरे को भांपते हुए अपनी जगह पर जम जाता है। उसकी आंखों में एहसास की एक झलक दिखाई देती है। इस क्लिप में एक तेज गति से बाज नीचे झपट्टा मारता है, अपने पंजों में ग्राउंड हॉग को जकड़ लेता है। एक संक्षिप्त संघर्ष होता है, लेकिन बाज की ताकत प्रबल होती है। अपने शिकार को लेकर बाज आकाश में चढ़ता है, अपने इच्छित गंतव्य की ओर बढ़ता है। इस क्लिप के एकांत क्षेत्र में बाज नीचे उतरता है, उसकी पकड़ ग्राउंड हॉग पर मजबूत होती जाती है। ये अंतिम क्षण होता है जब बाज झटकेदार हरकतों की एक श्रृंखला शुरू करता है। लगभग ऐसा लगता है जैसे वे अपने शिकार के साथ नृत्य कर रहा हो, लेकिन इस नृत्य में कोई आनंद नहीं है, केवल प्रकृति के चक्र का गंभीर उद्देश्य है। जैसे ही बाज की हरकतें बंद होती हैं, दृश्य पर एक शांति छा जाती है। ग्राउंड हॉग निश्चल पड़ा रहता है, उसका भाग्य जंगली नियमों द्वारा तय किया जाता है। बाज अपना काम पूरा कर एक बार फिर आसमान में उड़ जाता है और पीछे केवल शिकार की कूंज छोड़ जाता है। नंबर 3, लाल पूंछ वाला बाज हंटिंग कबूतर। बाज अपनी बेजोड़ शिकार क्षमता के साथ उड़ान के बीच में ही कबूतरों को आसानी से पकड़ लेते हैं। यह एक ऐसा हुनर है जो वर्षों के विकास के माध्यम से विकसित हुआ है। उन्हें रोकने के प्रयासों के बावजूद बाज अक्सर पकड़े जाने या उत्पीड़न से बच निकलते हैं, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने वाले कानूनों द्वारा उन्हें संरक्षित किया जाता है। जबकि अधिकांश पक्षी प्रेमी बाजों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते हैं, उनके शिकारी स्वभाव को देखना एक कड़वा मीठा अनुभव हो सकता है। न्यूयॉर्क शहर के हलचल भरे महानगर में शहरी वन्य जीवों की कठोर वास्तविकता सामने आती है।
यहाँ कंक्रीट के जंगल के बीच एक लाल पूंछ वाला बाज अपने पुरस्कार एक असहाय कबूतर को एक तेज और निर्दयी झपटा मार कर ले जाता है। अपने पंजों में बेजान शिकार को जकड़े हुए बाज छत पर शरण लेता है, जहां वो अपने भोजन को पकड़ने की सावधानी पूर्वक प्रक्रिया शुरू करता है। शहर की चहल पहल के बीच बाज को राहगीरों की जरा भी चिंता नहीं होती, क्योंकि वह फोन बूथ के ऊपर बैठकर अपनी दावत में मग्न रहता है, जो मानव सभ्यता के बीच प्रकृति की अद्भुत उपस्थिति की एक स्पष्ट याद दिलाता है। शांत स्वर में बाड़ के ऊपर बैठा बाज अपने शिकार को मारने के लिए सावधानी से काम करता है। कबूतर की गर्दन काटने के उसके प्रयासों का डटकर सामना होता है। कबूतर के बहादुरी भरे संघर्ष के बावजूद वह अंततः बाज के अथक प्रयास के आगे झुक जाता है। बाज के क्षेत्र में एक और सफल शिकार है। नंबर दो, लाल पूंछ वाला बाज हंटिंग सीगल। इस क्लिप में एक राहगीर ने एक चौंका देने वाली मुठभेड़ देखी, जिसमें एक लाल पूंछ वाले बाज ने एक सीगल को तेजी से सटीकता के साथ पकड़ा। उसकी शिकारी प्रवृत्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। अप्रत्याशित पर्यवेक्षक, जो सामने आ रहे नाटक से अचंभित था, उसकी आंखों के सामने दृश्य के सामने आने पर सदमे से कांप उठा। अपने अस्थिर रुख के बावजूद वह इस पल को फिल्म में कैद करने में सफल रही, जो प्रकृति की कच्ची शक्ति का प्रमाण है। सीगल को मजबूती से अपनी मुट्ठी में लेकर बाज ने अपने भोजन को सुरक्षित करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया, एक गणना की गई दक्षता का प्रदर्शन किया, जो उस पल की अराजकता को झुठलाती है। शांति से अपने भोजन का आनंद लेने का अवसर महसूस करते हुए बाज रेतीले विस्तार में पीछे हट गया, एक स्तब्ध दर्शक और जंगली के कठोर कानूनों का प्रमाण है। इस क्लिप में एक तीतर के खेत की शांति के बीच लाल पूंछ वाला बाज अपने शिकार पर घातक सटीकता के साथ उतरा। चौंके हुए तीतरों के झुंड के बीच एक बदकिस्मत पक्षी खुद को बाज के अथक पीछा की दया पर पाया। जब अन्य पक्षी डर के मारे तितर बितर हो गए, तो बाज ने अपना पुरस्कार प्राप्त किया, जो प्राकृतिक व्यवस्था में एक कुशल शिकारी के रूप में उसकी वीरता का प्रमाण था। नंबर एक, लाल पूंछ वाला बाज भरसेज टर्की। मात्र वृत्ति और साहस के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में एक जंगली टर्की एक लाल पूंछ वाले बाज की हिंसक प्रगति के खिलाफ अपने ब्रूड का जमकर बचाव करती है। न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन की शांत सेटिंग के बीच ये दृश्य सामने आता है, जहां प्रकृति का नाटक अप्रत्याशित तरीके से खेलता है। ऊपर की ओर बढ़ते खतरे से अप्रभावित टर्की अपनी जमीन पर खड़ी होती है, अपने कमजोर युवा को नुकसान से बचाती है। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ वह लाल पूंछ वाले बाज का सामना करती है, उसे साहसी अवज्ञा के साथ दूर करती है। बाज की अथक खोज के बावजूद टर्की की बहादुरी प्रबल होती है, और वह एक और दिन के लिए अपनी संतानों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विजयी होकर उभरती है। ये मातृत्व की अदम्य भावना और प्रतिकूलताओं की स्थिति में जीवन की लचीलापन का एक वसीयतनामा है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।